राजमेट so, होल्डिंग का आप चार्ट का स्ट्रक्चर देखोगे तो डेली ये स्टॉक के अंदर क्या हो रहा है अपर टू अपर सर्किट यहाँ पर लग रहा है बीस परसेंट का सर्किट लगा अगेन आठ परसेंट ऊपर आठ परसेंट ऊपर अगेन बीस परसेंट का सर्किट अगेन दस परसेंट का सर्किट तो गाइस विद इन फ्यू ट्रेडिंग डेज करेक्ट कितने ट्रेडिंग डेज के अंदर पांच ट्रेडिंग डेज के अंदर एट्टी फाइव एट्टी नाइन एट्टी सिक्स परसेंट स्टॉक बढ़ गया है और ये स्टॉक है ना सर्किट वाला स्टॉक है तो न्यूटन का थर्ड लोग गूगल नहीं किया है ना तो वो भी आप गूगल कर सकते हो जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है ना उतनी तेजी से वापस भी आ जाता है कई बार करेक्ट और ये स्टॉक का थोड़ा लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव आप अगर आप लोग देखोगे तो आप देखोगे तो थर्टी वन रुपीज तक गया था और थर्टी वन रुपीज वाला स्टॉक वापस से आठ रुपए हो गया और फिर लोअर टाइम फ्रेम पे हम पीछे जाके देखते हैं तो यहाँ पर देखो इस सेलिंग भी जैसे भी होता है तो सेलिंग भी बहुत ही स्ट्रांग सेलिंग होता है फंस जाओगे <laughs> दूसरा यह स्टॉक के अंदर वॉल्यूम्स तो रहता है करेक्ट ये स्टॉक के अंदर नॉर्मल दिनों में भी वॉल्यूम्स तो रहता है कोई प्रॉब्लम है नहीं बट ऐसे स्टॉक के अंदर मैं मेरे कोई भी व्यूवर्स को या कोई भी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स को मैं फंसने नहीं दू सो so, मैं नया स्ट्रांग पोजीशन बनाने का स्ट्रिकली नो no बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ स्टॉक यहाँ से सौ रुपए भी चला जाए तो भी हमें इंटरेस्टेड नहीं करेक्ट इससे अच्छा आप कॉलपुट में काम तो गाइस आपने पूछा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ करंट मार्केट प्राइस जो है नाइनटीन पॉइंट फोर्टी फाइव में भी पॉसिबल कि कल भी थोड़ा गैप अप ओपनिंग हो और स्टॉक और ऊपर जाए करेक्ट तो इस स्टॉक के अंदर है ना अब 70 परसेंट क्वान्टिट्टी आप सेल कर दो आपने थर्टीन रुपीज़ के आसपास लिया हुआ है करेक्ट तो आपको करीबन प्रॉफिट हो रहा है फोर्टी फोर परसेंट का करेक्ट अब सेवेंटी परसेंट कोंटिटी बेच दो जो भी क्वान्टिटी आपने लिया हुआ है सेवेंटी परसेंट कोंटिटी बेच लो आपकी थर्टी परसेंट की कॉस्टिंग है ना माइनस में चली जाए आर यू गेटिंग मी स्टॉक ज़ीरो भी हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और थर्टी परसेंट क्वान्टिटी आप लॉन्ग टर्म के लिए भी आ, आपको आपके जो भी पर्सपेक्टिव हो जो भी सोच हो उस तरह से आप उसमें प्ले कर सकते हो बट अगर इस तरह से करोगे तो प्रॉफिट भी थोड़ा घर लेके आओगे और रह गए वाली फीलिंग भी नहीं आएगी करेक्ट थोड़ा कम मिलेगा चलेगा लेकिन पैसा फंस जाएगा तो वो नहीं चलेगा और नए मेंबर्स को या जो भी नया पोजीशन बनाना है उसके लिए मैं स्ट्रिक्टली नो बोल रहा हूँ स्ट्रिक्टली नो करेक्ट किसी को भी एक रुपये का शेयर लेना नहीं तो जो भी होल्ड कर रहे हो सेवेंटी परसेंट क्वान्टिटी आप बेच दो और बाकी का थर्टी परसेंट क्वान्टिटी आप होल्ड कर सकते हो